So hello friends, today we will discuss about the nitrogen. So nitrogen आपका diatomic molecule है, environment में मिलता है, हमारी air में 79% के करीब होता है by mass, और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, covalent bond बनाते हैं तीन, ठीक है, और एक lone pair होता है, तो इसकी वजह से बहुत ही unreactive होता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए काफी bond dissociation energy चाहिए, और इसको बनाने के तरीके जो है आपके अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो बन जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 की रिएक्शन से अमोनियम नाइट्राइड बना लेते हैं और अमोनियम नाइट्राइड को हीट करके आप नाइट्रोजन गैस बनाते हैं और सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को भी हीट करने से आपकी नाइट्रोजन बनती है और अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट करने से आप नाइट्रोजन बना लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड. Oxygen only makes up about a fifth of our atmosphere. The rest is nearly all nitrogen. Just like oxygen, nitrogen gas is colourless and odourless, but it's fairly unreactive. It extinguishes a lit splint. Nitrogen gas liquefies at a very low temperature, so it has to be handled carefully. Liquid nitrogen can be used to freeze objects rapidly. On a small scale, it can also be used to liquefy air. A clean, dry test tube is dipped into liquid nitrogen. After about 15 minutes, a liquid appears in the tube. This is liquid air. As it warms, it starts to boil, and the gas evolved can be tested. At first, the gas extinguishes a lit splint. So, which gas could this be? But after 4 minutes, a glowing splint relights. What gas is boiling off now? Nitrogen boils at a slightly lower temperature than oxygen, so it vaporizes first, leaving behind liquid oxygen. Because they have different boiling points, oxygen and nitrogen can be separated from air. So nitrogen की physical properties में nitrogen is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic gas. It has a low solubility in water. It has low freezing point 62.3 and boiling point 77.2 Kelvin. And it is absorbed by. So nitrogen जो है आपकी that is very inert gas due to small NN bond length होती है और बहुत high dissociation energy होती है और इसकी reactivity temperature increase करने पर increase होती है. So first test का reaction with metals, dinitrogen जो है या nitrogen, ये combustible नहीं होती ना इधर support combustion, but जो active metals हैं जैसे lithium, magnesium, calcium etc. इनके साथ high temperature पर ये react करती है nitrogen के environment में ये आपके nitride बना देते हैं जो आपके predominantly ionic compound है. और non-metals के साथ भी ये covalent nitrides बनाती है जैसे hydrogen और nitrogen. आपके मिलके 77 केल्विन के टेम्परेचर पे एंड 208 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट अमोनिया बनाते हैं, दैट इज द हैवर प्रोसेस. ठीक है, इसको अपने अमोनिया के चैप्टर में देखेंगे. और विद O2 एंड N2 कंबाइंस एट हाई टेम्परेचर तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं जो आगे फिर हम और कंपाउंड्स बनाने में यूज करते हैं. तो और जो इसकी केमिकल आपका जो कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन बनाती है जिसके कंबाइंड मिक्सचर को हम लोग नाइट्रोलिम कहते हैं. और ये जो नाइट्रोलिम है आपका, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम साइनामाइड, ये जो है आपका वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया बनाता है. और अमोनिया जो आपकी फर्टिलाइजर्स में यूज करी जा सकती है, तो इसको हम कैल्शियम साइनामाइड को फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं नाइट्रोलिम को. तो जो है आपका ये फर्टिलाइजर्स के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये केमिकल रिएक्शन अक्सर
एक सिंपल रिएक्शन तो नहीं पूछी जाती है आईडीजी में, लेकिन चार पांच छह रिएक्शन या चार पांच टॉपिक्स की रिएक्शन मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। आपका यूज होती है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, एग्जांपल कैल्शियम साइनामाइड, प्रोवाइड एन इनर्ट एनवायरमेंट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड क्रायो सर्जरी में यूज होती है, गैस फिल्ड विद थर्मामीटर्स विच आर यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। तो इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन के ये आपके कुछ एक यूजेज है।